दोस्तों आज हम बात करेंगे मैच नंबर 26 साउथ अफ्रीका टी20 लीग का होने वाला है 1 फरवरी रात को 9 बजे एमआई केप टाउन वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में। तो गाइस दोनों टीमों के बारे में बात करेंगे। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन का जो पिच है होम ग्राउंड है प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ था, कैसा चल रहा है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टैट्स देखेंगे, प्लेयर्स के पिच रिपोर्ट भी देखेंगे, हेड टू हेड वेन्यू जो परफॉर्मेंस है दोनों तरफ से, दोनों प्लेयर्स की, टीमों की एक्चुअली, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस एंड स्मॉल लीग हेड टू टीम के लिए हमारे जो सेक्शन रहेगा और साथ साथ सिलेक्शन रहेंगे वो। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते हो तो भाई गारंटी दे रहा हूँ आप लोग विन कर सकते हो ग्रैंड लीग। जी हाँ, मेरे को तो भरोसा है भाई। अगर आपको होता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको भरोसा नहीं है, जिसको क्वेश्चन मार्क है, तो भाई आप लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क में ही रह जाओगे। मैं सही में कह रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लेते हो ना तो आप लोग ग्रैंड लीग आराम से विन कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छे से समझ के विनिंग करना, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई बढ़िया विन कर रहा है और हर रोज कोई ना कोई ट्रंप कार्ड खुद से ही निकाल लेता है मेरी वीडियो देख के। तो बस मैं आपको यही कहूंगा, मेरे अंदर कोई जादू नहीं है लेकिन आपके अंदर वो जादू है जो आप लोग वीडियो देखकर एक जो है मिरेकल करके अपना जो है क्या कहते हैं अपना ट्रंप कार्ड निकाल लेते हो और वो ट्रंप कार्ड आपको विन करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई किस्मत के हिसाब से ही चलता है और आप लोग किस्मत अपनी खुद से बना सकते हो। तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 65 मैच इस पिच के ऊपर खेले गए दोस्तों, सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन का पिच है, जहां पर 65 मैचेस में दोस्तों आप लोग देखो तो 28 मैच जो है पहले बैटिंग टीम स्कोर डिफेंड करते हुए 36 बार स्कोर चेस करने वाली टीम जीत कर गई है। 160 से 170 के आसपास का एवरेज है पिछले मैचेस में। क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। बट हाईएस्ट टोटल 258 का है, लोएस्ट टोटल 79 का है, जो कि बहुत कम है। बट अगर आप लोग देखोगे मोस्ट स्लो मोस्ट स्कोर, जी हाँ सबसे ज्यादा स्कोर जो है 150 के नीचे का बना है दोस्तों, और 150 से 170 के बीच का स्कोर करीब 8 बारी, 170 से 190 के बीच का स्कोर करीब 14 बारी, और 190 प्लस स्कोर 15 बारी बना है। मतलब कि जी हाँ मैक्सिमम टाइम 150 के नीचे और सेकंड मैक्सिमम टाइम 190 के ऊपर स्कोर बना है वो 15 बारी बना है। ठीक है, वैसे कम नहीं है लेकिन अच्छी चीज है, मतलब अच्छा स्कोर आपको देखने के लिए मिल सकता है इस पिच पे। अगर आप लोग देखो तो पिछले कुछ मैचेस में हुआ क्या था, पिछला जो मैच है दोस्तों वो खेला गया था प्रिटोरिया कैपिटल्स और जोबर्ग्स के बीच में, जो कि भाई रेन की वजह से बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। अगर आप लोग देखोगे तो भाई फर्स्ट इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट गिरी थी पेसर्स को मिली थी जोबर्ग्स की, जब बैटिंग चल रही थी प्रिटोरिया कैपिटल्स के द्वारा, और इस तरीके से वो मैच बीता था। लेकिन उसके पहला जो मैच होता दोस्तों वहां पर दोस्तों प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 125 रन को, मात्र 125 रन को डिफेंड करा था। एक्चुअली में ये पिच 180 तक का स्कोर चेस करने में सक्षम है। जी हाँ, इस पिच में आप लोग 180 तक का स्कोर इजी चेस कर सकते हो भाई, लेकिन 125 का स्कोर डिफेंड करा सनराइजर्स सुपर सनराइजर्स ईस्टर्न केप के द्वारा, मतलब सॉरी अगेंस्ट में यहाँ पर प्रिटोरिया कैपिटल्स ने, वो भी अनबिलीवेबल दिन थी दोस्तों। 3 विकेट अपर स्पिनर्स को, 6 विकेट पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में, और सॉरी सेकंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट स्पिन को, 5 विकेट पेस को मिली थी। इस तरीके से वो मैच बीता था दोस्तों। बहुत अच्छा पिच हुआ था, बहुत अच्छा मैच हुआ था, लेकिन बारिश भी हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं स्पिनर्स को, थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आज के दिन में बारिश नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा अच्छा बीत सकता है, स्पिनर्स को एडवांटेज मिल सकता है। और उसके पहला जो मैच है दोस्तों 18 जनवरी को खेला गया था, इस तरीके से अभी तक इस पिच पे मैच बीते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं आगे। एक्चुअली टोटल 4 मैच खेले गए इस पिच पे, अगर आप लोग देखोगे तो 1 मैच कैंसिल हुआ है, लेकिन उसके अलावा 3 मैच सक्सेसफुल है, जिसमें से कि 2 बारी स्कोर जो है 200 प्लस बना है, और 200 प्लस बन के 180 या 200 तक तो स्कोर बन भी चुका है चेस करते हुए टाइम। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर डीएसजी ने 187 रन बनाए थे 200 का चेस करते हुए, और यहाँ पर दोस्तों प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 200 रन बनाए थे 210 रन चेस करते हुए। लेकिन यहाँ पर उनकी जब फर्स्ट इनिंग बैटिंग थी 125 के स्कोर को क्या अनबिलीवेबल तरीके से डिफेंड करा मेरे ख्याल भाई, बहुत ही तगड़े तरीके से। अभी चलते हैं, देखते हैं दोस्तों पिछले कुछ मैचेस में, पिछले 7 T20 मैचेस में किस बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिली है। पेसर्स की बात करें, राइट आर्म पेसर्स जो होते हैं फुल ऑन, जो कि 14 विकेट लेकर गए हैं। मीडियम फास्ट बॉलर्स दोस्तों यहां पर 20 विकेट लेकर गए हैं। जो मीडियम पेसर्स हैं दोस्तों स्लोअर वन बॉल डालते हैं, उनको 9 विकेट मिली है। लेफ्ट आर्म पेसर्स को यहां पर दोस्तों 18 विकेट टोटल मिली है, लेफ्ट आर्म पेसर्स को एडवांटेज है। मतलब कि वहीं देखोगे दोस्तों ऑर्थोडॉक्स सॉरी लेफ्ट लेग ब्रेकर स्पिनर्स जो है दोस्तों, यहां पर ये स्पिनर्स की बात आती है दोस्तों, यहां पर स्पिनर्स की अगर आप लोग देखोगे तो लेग ब्रेकर्स को 4 विकेट मिली है, चाइनामैन को सिर्फ 1 विकेट मिली है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 6 विकेट मिली है, और ऑफ ब्रेकर बॉलर्स को यहाँ पर 4 विकेटें मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पिच अभी तक का देखने के लिए मिला है बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग देखेंगे तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कहते हैं दोस्तों प्रिटोरिया कैपिटल्स, आपको अभी तक के सभी मैचेस जो है अगेंस्ट एमआई सिटी मतलब एमआई केपटाउन के सामने जीतता हुआ दिखा है। जी हाँ, 2 के 2 मैच खेले और दोनों के दोनों मैचेस को एमआई केपटाउन जीता सॉरी प्रिटोरिया कैपिटल्स जीता है दोस्तों, क्योंकि प्रिटोरिया कैपिटल्स का होम ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है। याद रखिएगा, बहुत तगड़ा एडवांटेज मिल सकता है, इस चीज का फायदा ये टीम उठा सकती है। क्या पता यहाँ पर ये 3 को यहाँ पर भी अपने सामने 3 पर ले आए, क्या कहते हो आप लोग कमेंट करके बताओ। लेकिन आप लोग देखोगे एक्चुअली में जो एमआई कैप्टन है ना स्ट्रगल कर रही है भाई, एक्चुअली में दोनों टीमों ने जरूर 1-1 मैच को ही विन करा अभी तक इस टूर्नामेंट में, मतलब पिछले 5 मैचेस में, लेकिन अगर एक देखा है तो ये नो रिजल्ट रहा था।
बट यहाँ पर एमआई कैप्टन बैक टू बैक हार कर आ रही है, क्या इस स्ट्रीक को तोड़ेगी या फिर फाइव लूजिंग विनिंग चलाएगी यहाँ पर? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। आगे चलते हैं एमआई कैप्टन की प्लेइंग 11 देखने के लिए। दोस्तों एमआई की तरफ से आपको प्लेइंग 11 देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले रिलिक्टन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, वैन डर डुसन के साथ ओपन करने आ रहे हैं। डिफॉल्ट ब्रेविस उतना कुछ खास तो नहीं कर रहे, लियम लिविंगस्टन थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हो कि इस बंदे से एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि इस पिच पे स्पिन है, और अगेन अगर इनको मतलब अगेन अगर इस पिच पे बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर फायदा मिल सकता है। ठीक है, कायरन पोलार्ड वैसे भी ठीक ठाक सा कर रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे, लेकिन सैम करन अच्छे भी गए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर। अगर आप लोग देखो तो पॉटर गेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनको भी ठीक ठाक हेल्प आप लोग मान सकते हो, मीडियम फास्ट बॉलर है, ज्यादा नहीं है इस पिच पे हेल्प इनको। बट अगर जॉर्ज लिंडे की बात करें इनको भी एडवांटेज मिल सकता है। उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जॉर्ज लिंडे के बाद आते हैं काबेर, जी हाँ टॉम काबेर, जो कि अपने को पिछले मैच के अंदर एक उम्मीद थी, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उनको इनका इतना हेल्प नहीं मिला था एक्चुअली में। लेकिन हाँ आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाइनामैन स्पिनर है भाई एक्चुअली में, आपको दिखाया ना पीछे स्पिनर्स को कैसे हेल्प है। जी हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस तरीके से चाइनामैन स्पिन को सिर्फ एक विकेट मिली है इस पिच पे, तो ज्यादा ट्राई नहीं करना है। लेकिन कागिसो रबाडा एक्चुअली बताऊं भाई बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इन सभी प्लेयर्स का इस पिच पे और हेड टू हेड रिकॉर्ड जरूर से दिखाऊंगा, वो चीज आपको जरूर से हेल्प करेगी कि किसको फाइनल में लेना है या नहीं लेना। और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, यहाँ पर एक मैं डेमो टीम दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि फाइनल भी हो सकती है, लेकिन फाइनल जो एक्चुअल रहेगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शार आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर पटौरी कैपिटल्स की भी प्लेइंग 11 है, बट उसको बाद में देखेंगे, उसके पहले आप लोग देखो यहाँ पर एमआई की परफॉर्मेंस। जी हाँ, एमआई की तरफ से आपको सबसे पहले वेंडर डूसन और रियान लेक्टन आपको देखने के लिए मिलेंगे। रेलेक्टन आपको इस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी, दो मैच इसका एक गैप आया था, लेकिन अच्छा पिक है, बाय डिफॉल्ट आप लोग ट्राई कर सकते हो। वेंडर डूसन ने थोड़ा सा फॉर्म को अपना खराब करा है, पिछले कुछ मैचेस में थोड़ा सा नीचे गए हैं, बट इनके अलावा कोई और खास ऑप्शन नहीं है बैटिंग डिपार्टमेंट में जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता हो। हाँ, पिछले दो मैचेस में कायरन पोलार्ड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 30+ रन की परफॉर्मेंस दी है बैक टू बैक दो मैचेस में, और एक विकेट भी निकाली है, तो उस बेसिस पे आप लोग इनके साथ जा सकते हो, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, वही दोस्तों लियम लिविंगस्टन वन डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, और उसी के बाद दोस्तों इन्होंने परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से दी है, 26-22 एक और 3 रन की परफॉर्मेंस पिछले मैच के अंदर देखे आ रहे हैं, जो कि ज्यादा तो नहीं है, बट अगर आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैं उनको प्रेफर नहीं करता। डेवल ब्रेविस भी उतना कुछ खास नहीं दिखे, जो इनकी एक्चुअली में इनको मिनी एबीडी विलियर्स माना जाता था, उस तरीके से ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है दोस्तों। कह सकते हो कि प्रेशर भी हो सकता है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ कोचिंग में इश्यूज है, आई डोंट नो क्या सीन है, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक है, सैम करन को दोस्तों पिछले मैच के अंदर बैटिंग का मौका तो मिला था, लेकिन जीरो पे ही रह गए, मतलब मैच जल्दी खत्म हो गया था, और अगर आप लोग देखोगे तो विकेट लेस खेल रहे हैं, पिछले 5 मैचेस में मात्र 2 विकेट इनको मिली है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, करीब करीब 30 के आसपास की बैटिंग इन्होंने करके दी है, ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर सैम करन की बात करें, मैं आपको बताना सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें मिली है, बैटिंग भी करी है, बट एक्चुअली में यूजर ने कंसिस्टेंट नहीं दिखे, जितना आईपीएल में दिखते हैं, जितना इंटरनेशनल फॉर्म में दिखते हैं, बट ये उतना कंसिस्टेंस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो पॉट गिटर के बारे में, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मीडियम बॉलर है, पेसर बॉलर है, तो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और एक्चुअली में इनको बॉलिंग रेगुलरली नहीं मिल रही है, तो उस बेसिस पे इनको हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। जॉर्ज लिंडे को आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट अभी आगे चलेंगे तो उनके सभी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि इनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड क्या है, जो कि एक सिलेक्शन करनी है या नहीं करनी है वो हमारे को डिसीजन लेने में फाइनल हेल्प करेंगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको एक कलर चेंज कर देता हूं, जो कि थोड़ा सा सही रहेगा डिटरमाइन करने में। अगर दोस्तों बात करें यहां पर कागिसो रबाडा, भाई देख सकते हो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें मिली हैं पिछले 5 मैचेस में, बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, और कबाड़ा ही कबाड़ा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नुवान तुषारो की बात करें, इनके पास फॉर्म है, बट पिछला मैच उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि केपटाउन के बीच पे था, अपने घर पे था, वहां पर पहला मैच खेला, विकेट लेस गया, लेकिन अगेन इनके पास फॉर्म है, इनके पास कंसिस्टेंसी है, जो कि एडवांटेज दे सकती है। थॉमस खाबेर की बात करें दोस्तों, इनको बॉलिंग ही नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ओवरऑल आप लोग देखोगे तो भाई कंसिस्टेंट है ये बंदा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अगर बॉलिंग मिलती तो शायद से इसको विकेट मिल सकती थी, लेकिन चाइनामैन स्पिनर है इस पिच पे, वैसे चाइनामैन स्पिनर्स को उतना अच्छा एडवांटेज नहीं है, बट अभी देखते हैं सभी प्लेयर्स का हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड। उससे पहले आप लोग देख सकते हो कुछ पावर प्ले और डेथ ओवर बॉलर्स के यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे कि कागिसो रबाडा, जॉर्ज लिंडे हो गए, तुषारा हो गए, एंड तुषारा और कागिसो रबाडा तो सेम है डेथ ओवर में, बट यहाँ पे आ जाते हैं सैम करन इनके साथ, और यहाँ पर दोस्तों कुछ ये प्लेयर्स हैं जो कि आपको बेंच देखने के लिए मिलेंगे, और हो सकता है कि इनको मौका मिल जाए किसी और प्लेयर की जगह पे, जैसे कि ब्रायन हेंड्रिक्स हो गए, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत कंसिस्टेंट है, और इनके पास फॉर्म भी अच्छी है, इनको मौका मिल सकता है, बहुत सारे प्लेयर्स है जिनको मौका दे सकती है टीम। अभी आगे चलते हैं, दिखाता हूं उन सभी प्लेयर्स के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड। गाइस देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स अवेलेबल है,
डूसन की बात करें तो राशि वंडर डूसन को यहाँ पर हेड टू हेड में 75 रन मिले, मतलब कि एक्चुअली में इस बंदे ने कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करी और 10 मैच में इस पिच पे 340 ऑलमोस्ट 50 रन, मतलब 350 रन बनाए, कम से कम मान के चलिए तो 35 रन से ज्यादा का इनका एवरेज है इस पिच पे, जो कि हमारे को एक श्योरिटी देता है कि वंडर डूसन इज अ सेफर ऑप्शन, हमारी टीम के लिए अच्छे भी करेंगे। ठीक है, रिलिक्टन की बात करें दोस्तों, इनके पास एक मैच में अगेंस्ट टीम जो पिटर कैपिटल्स है उसके सामने इन्होंने 11 रन बनाए हैं, बट इस पिच पे इन्होंने 88 रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये भी चीज थोड़ी सी श्योरिटी दी कि आसपास 40 का एवरेज है इनका, जो कि हमारे को एटलीस्ट अच्छा स्कोर देके जा सकते हैं। ठीक है, लियाम लिविंगस्टन हेड टू हेड और वेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कारन पोलार्ड ने हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला है, और भाई दोस्तों देखेंगे तो हेड टू हेड के अलावा इस पिच पे दो मैच खेले हैं इन्होंने, जिसमें इन्होंने एक विकेट निकाली और मात्र 9 रन बनाए, तो गाइस अगेन थोड़ा सा रिस्की है। सैम करन के पास दो मैच में 3 विकेट है अगेंस्ट जो अपनी पिटर कैपिटल्स है उसके सामने, और इस पिच पे एक मैच खेला जो कि तीनों की तीनों विकेट मेरे ख्याल से इसी पिच पे इन्होंने निकाली है, तो गाइस सैम करन इज अ सेफर ऑप्शन। वैसे कंसिस्टेंसी नहीं है बट फिर भी ये चीज थोड़ी सी कहते हैं कि भाई इसके साथ जा सकते हो। डेविड ब्रेविस के पास 30 का एवरेज है अगेंस्ट टीम पिटोरिया कैपिटल, दो मैच में इन्होंने 60 रन बनाए हैं, इस पिच पे मात्र 14 रन बनाए हैं, तो मतलब कि अपने घर एमआई केप टाउन पे जो एक हेड टू हेड मैच हुआ था उसके अंदर इन्होंने जो रन बनाए हैं वो करीब करीब आपको बताऊं तो अराउंड मैं आपको बताऊंगा ढंग से तो 46 के आसपास रन बनाए हैं, जिसको अगर हम 14 के प्लस रखेंगे तो भाई 60 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। वही दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर पॉट गेटर के बारे में, तो हेड टू हेड में इन्होंने एक रन बनाया है जिसमें वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कगिश्वर बाड़ा को हेड टू हेड में मात्र एक विकेट मिली है और वेन्यू पे इनको 6 विकेट मिली है 6 मैच के अंदर, मतलब कि एक विकेट पर मैच के अकॉर्डिंगली। जॉर्ज लेंडे दोस्तों दो मैच में 20 रन बनाए हैं, विकेट लेस परफॉर्मेंस दी है, इस पिच पे भी इनको एक्चुअली में उतना कुछ खास हेल्प नहीं है। तो चारों की बात करें हेड टू हेड वेन्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं क्योंकि पहला साल है इनका साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। उसी के अलावा दोस्तों थॉमस काबेर की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना चाइनामैन स्पिनर्स को सिर्फ एक ही विकेट मिली है इस पिच पे, मतलब कि काबेर ने इस पिच पे एक भी विकेट नहीं ली है। जी हाँ, दो मैच में 27 रन और विकेट लेस परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। तो गाइस इस तरीके से हो गया इनका हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड। अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले पिटोरिया कैपिटल्स की प्लेइंग 11। तो गाइस फिलिप सॉल्ट आपको ओपन करते दिखेंगे, कलर चेंज कर ले रहे हैं भाई। जी हाँ, फिलिप सॉल्ट आपको ओपन करते दिखेंगे, विल जैक के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं और बड़ा गेम खेलते हैं हमेशा से। काइल वर्ने आपको वन ऑन बैटिंग करते दिखेंगे, लाइली रूसो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, दोनों की दोनों टीमें एक्चुअली स्ट्रगल करती हुआ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और कह सकते हैं बहुत नीचे भी है। ठीक है, कोलिन इंग्रम आपको देखने के लिए मिलेंगे, एकरमैन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोलिन एकरमैन जो कि आपको नीदरलैंड से आते हुए दिखते हैं, मतलब स्वामी आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, इथन बोश आपको देखने के लिए मिलेंगे, आदिल रशीद हो गए, वियन बर्नियल हो गए और डुपा विलोन जो को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच के अंदर उन्होंने, बहुत ही तगड़ी। ठीक है, फटाफट से दिखाता हूं दोस्तों इन सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस। फिलिप सॉल्ट दोस्तों आपको देखने के लिए मिले, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर 0, उसके पहले 20, उसके पहले 10, 12 रन मारे थे, उसके पहले 23 रन मारे थे, पिछले 5 मैच का परफॉर्मेंस है जो कि फिलिप सॉल्ट थोड़ा सा लो परफॉर्म कर रहे हैं। वही दोस्तों विल जैक की बात करें तो इनके पास कंसिस्टेंसी है, कभी कभार आउट ऑफ फॉर्म भी दिखते हैं, कभी कभार बैक टू बैक आउट ऑफ फॉर्म दिखते हैं, लेकिन कम बैक कर लेता है ये बंदा। तो इसके साथ हम लोग जाएंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में दोनों साइड से। काइल वर्ने को आप लोग ट्राई करना है तो भाई ग्रैंड लीग में करो, क्योंकि बड़ा गेम खेल सकता है लेकिन पिछले 2-3 मैच थोड़ा सा खराब चल रहे हैं, बट मैं वेन्यू रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, राइली रूसो अगर बात करें तो भाई ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं। एकरमैन की बात करें दोस्तों, इनके पास परफॉर्मेंस है, इनके पास कंसिस्टेंसी है, बट इनको पहला मौका मिला इस टूर्नामेंट में, 7 रन की परफॉर्मेंस दी, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से और बॉलिंग से कुछ नहीं करा। आप लोग जा सकते हो, ऑप्शन बॉलर है, अगर मौका मिलता है इनको बॉलिंग का तो आपको विकेट लेकर दे सकते हैं, ट्राई करना तो कर सकते हो। कोलिन इंग्रम की बात करें तो भाई इंग्रम ने कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मुथुस्वामी देखो, मैं मुथुस्वामी के साथ जा सकता हूं आज के इस मैच में। हाँ, पिछला जो मैच हुआ था उसके अंदर मात्र कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ रेन बॉलिंग भी नहीं मिली थी, बट अभी मैं आपको वेन्यू हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, जिसको आप लोग एक बार के लिए देखकर मान सकते हो कि हाँ इसको एडवांटेज ले सकते हैं हम लोग। लेकिन टेलीग्राम पे आपको फाइनल टीम मिलेगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किसको हमने कब लेना है और किसको कब नहीं लेना है, अगर आप लोग समझ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वही दोस्तों मुथुस्वामी के पास कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस है, 3 विकेट 1 रन और 0 विकेट 50 रन के साथ साथ, 4 विकेट 82 रन के साथ साथ, 21 रन विकेट लेस परफॉर्मेंस। तो गाइस इस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा है, अच्छा परफॉर्म करा है, तो हम लोग इनके साथ जा सकते हैं क्योंकि ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। ठीक है, और अगर बात करें तो वियन पर्नेल आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करें, देख सकते हो ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर करीब करीब 10 रन और ऑलमोस्ट 1 से 2 विकेट आ रही है। ठीक है, इथन बोच की बात करें दोस्तों, इनको विकेट नहीं मिल रही है अभी तक, पिछले कुछ 5 मैचेस में विकेट लेस परफॉर्म करा है। आदिल रशीद को आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक मैच में 3 विकेट, पिछला मैच में 1 विकेट निकाली है, कॉन्स्टेंट है, इनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं इजीली। डुपा विलोन की बात करें दोस्तों, इनके पास भी बहुत अच्छी फॉर्म है, बट एक गैप के बाद कमबैक करा है, 3
विकेटों के साथ, तो उस हिसाब से यस इज अ गुड ऑप्शन, आप लोग जा सकते हैं उनके साथ इजीली। ये कुछ पावर प्ले और डेथ ओवर बॉलर्स हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं आपको कुछ ये अपने बेंच प्लेयर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। देख सकते हो यहाँ पे फिलिप सॉल्ट के हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है एमआई कैप्टन के सामने मात्र 9 रन है एक मैच के अंदर। वेन्यू पे इन्होंने 145 रन बनाया जो कि अगेन थोड़ा सा हमारे को कंफ्यूज कर रहा है कि भाई ट्राई करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो विल जैग ने एक हेड टू हेड मैच खेला जिसमें 62 रन बनाए हैं और एक विकेट भी निकाली है, तो उस बेसिस पे यस ही इज अ सेफर ऑप्शन। 6 मैच में 285 रन बनाए हैं इस पिच पे जिसमें इन्होंने 2 विकेट लिए हैं। दोस्तों काइल वर्नी की बात करें तो एक मैच में इन्होंने 4 रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ, और वही दोस्तों 3 मैच में 12 रन बनाए हैं इस पिच पे। तो काइल वर्ने भाई अगेन थोड़ा सा रिस्की हो गया, मैंने आपको ऑप्शन तो दिया था बट ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, अगर आप देखो तो भाई 2 मैच में अगेंस्ट जो टीम है बटर क्या कहते हैं अपना एमआई केप टाउन, रैली रूसो ने यहाँ पर दोस्तों 2 मैच में 41 रन बनाया जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं 20 के आसपास का है, और वहीं इन्होंने करीब करीब 20 से 25 के एवरेज साथ 17 मैचेस में 361 रन बनाए हैं इस पिच पे। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो बट ज्यादा कॉन्स्टेंट नहीं है। कोलिन एकरमैन की बात करें तो वेन्यू और हेड टू हेड पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहला टूर्नामेंट है इस टूर्नामेंट में, पहला दूसरा मैच है सॉरी। कोलिन इंग्लैंड की बात करें दोस्तों हेड टू हेड में तो कोई नहीं लेकिन वेन्यू पे जरूर इनको 300 रन मिले हैं 14 मैच के अंदर, तो अगर देखा है तो करीब करीब 20 से 25 के नीचे नीचे का एवरेज है, ज्यादातर नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मुत्तुस्वामी जो कि हेड टू हेड में तो विकेट नहीं निकाल पाए अभी तक का, लेकिन वेन्यू पे भी विकेट नहीं निकाल पाए भाई, ये चीज थोड़ी सी कह सकते हो कि भाई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रही है, बट मेरे को लग रहा है आज कुछ ना कुछ तो तगड़ा होगा क्योंकि मैं जो है ट्रस्ट कर रहा हूँ मुत्तुस्वामी पे। जी हाँ दोस्तों, मुत्तुस्वामी मेरे हिसाब से दोस्तों ये बंदा एडवांटेज दे सकता है, इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये ट्रंप कार्ड आज के इस मैच में मेरे को लग रहा है दोस्तों, ये बंदा आपको एक ट्रंप परफॉर्मेंस दे सकता है। ये जरूर इस पिच पे कोई मैच कोई विकेट नहीं होगी, नहीं हुई है एक्चुअली, बट मेरे को आज दोस्तों ये बंदा अपने को ट्रंप परफॉर्मेंस दे सकता है। याद रखिएगा मेरे हिसाब से दोस्तों ये बंदा एक अच्छा पिक रहेगा हमारे लिए ग्रैंडलिंग में ट्राई करने के लिए, तो मैं इनको स्मॉलिंग में भी ट्राई करूंगा, ग्रैंडलिंग में भी ट्राई करूंगा, कहीं ना कहीं एडवांटेज दे सकता है। अगर 2 विकेट भी निकाल दी ना भाई अदर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, वही दोस्तों विहन पनेल कंसिस्टेंट है, 2 मैच में 4 विकेट अगेंस्ट एमआई और 15 मैच में 17 विकेट इस पिच पे निकाली है। ईथन बोश ने 3 विकेट निकाली है अगेंस्ट एमआई और इस पिच पे 8 विकेट 10 मैच के अंदर निकाली है, तो ये चीज भी थोड़ी सी कहती है कि हाँ इसके साथ आप लोग जा सकते हो, बट ये एक्चुअली में पिछले लगातार 5 मैच में विकेटलेस दिख रहे हैं। आदिल रशीद 1 मैच में 2 विकेट है इस पिच पे, इनके पास 10 मैच में 12 विकेट है जो कि भाई बढ़िया श्योरिटी देते हैं कि इस पिच पे स्पिन भी अच्छा खासा आएगा, तो मुत्तुस्वामी इज अ गुड ऑप्शन, आदिल रशीद के साथ हम लोग जाएंगे। वहीं दोस्तों डुप्पा वेलोन की बात करें तो भाई 4 मैच में 3 विकेट मिली है और पिछले ही मैच के अंदर इस पिच पे इनको 3 विकेट मिली थी, तो उस बेसिस पे आपको ट्राई करने के लिए कह रहा हूं, जरूर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारी टीम सिलेक्शन के बाद। तो गाइस इस तरीके से टीम सिलेक्शन बन रही है, तो मैंने आपको बताया देखो डुपा विलोन एक अच्छे पिक रहेंगे, हम लोग उनको ट्राई करेंगे कागिसो रबाड़ा की जगह पे। जी हाँ दोस्तों, मैं तो स्वामी के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आज के इस मैच में ये ट्रंप कार्ड रहेगा। गाइस आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो बट आपकी कॉल रहेगी, ट्राई करना है नहीं करना है आप लोग के हाथ में है। ठीक है, कागिसो रबाड़ा बहुत गंदा कबाड़ा कर रहा है भाई, तो मैं इनके साथ उतना तो नहीं जाऊंगा। जॉर्ज डिंडे को हमने ड्रॉप करा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। थॉमस को लेना चाहो तो देखो एक्चुअली मैं इस पिच पे चाइनामैन स्पिनर्स को हेल्प नहीं मैं आपको दिखाया, बट ये कंसिस्टेंट दिखा इस टूर्नामेंट में, अच्छी अच्छी पिच पे और बेकार बेकार पिच पे भी इन्होंने विकेट निकाली, तो यस उस हिसाब से ये बंदा आपकी ग्राइंडिंग में जरूर से होना चाहिए। कागिसो रबाड़ा आपकी कॉल है बट ये आपको ड्रॉप करना है और इसको ट्राई करना है, ये आपके हाथ में ऑप्शन है। हमने अदली शीत को लिया, बेन पनेल को लिया है, जो विल जैक को कैप्टन, सैम करन को वाइस कैप्टन, बहुत रिस्क रहेगा लेकिन इस पिच पे अच्छा एडवांटेज है, उस बेसिस पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको क्योंकि मैंने देखा इनका रिकॉर्ड, रबेंडर डूसन, रे लिप्टन और यहाँ पर कारन पोलार्ड। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है रैली रूसो को भी ट्राई कर रहे हैं और एकिनमैन आपके पास ऑप्शन है ट्राई करने के लिए, इफ यू वांट आप लोग ट्राई कर सकते हो। लियम लिविंगसन एक अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से कि ये बंदा आपको एडवांटेज दे सकता है, लियम लिविंगसन, जी हाँ इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये हमारी टीम सिलेक्शन कुछ अभी तक के लिए बन रही है, लेकिन आपको बता चुका हूँ डुपा विलोन और लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स आपको एडवांटेज दे सकते हैं ट्राई करने के लिए, आपके पास ऑप्शंस हैं इन प्लेस ऑफ कागिसो रबाड़ा या फिर कारन पोलार्ड या फिर कैप्टन वाइस कैप्टनसी में आप लोग चेंजेस कर सकते हो, आप लोग इनको वाइस कैप्टनसी से हटाकर वाइस कैप्टन इनको रख सकते हो, आप लोग ग्रैंड लीग में मुत्तुस्वामी को वाइस कैप्टन रख सकते हो, बहुत ही रेयर रहेगा बट कुछ भी हो सकता है भाई, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा, अलग अलग चेंजेस कीजिएगा। और ये कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस और ग्रैंड लीग पिक्स है हमारी टीम सिलेक्शन के लिए, आपकी ग्रैंड लीग टीम्स के लिए। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम में जुड़ना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, पीस आउट।